लाल कुर्सी लाल साड़ी। अच्छे दिख रहे हैं ना डार्लिंग। आइए आइए जजमान, आइए यहाँ बैठिए। आओ पप्पा आओ। नहीं पंडित जी, वो आज हम नहीं बैठेंगे पूजा पर, आज भगदड़ सिंह जी बैठेंगे और पूजा कराएंगे। अरे पप्पा क्या हुआ? अदा ये भगदड़ चाचा डराया तो नहीं जय भवानी होनी बोल के? नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं डराया हमें। वो जब हम पूजा के लिए तैयार हो रहे थे तो हमारे अंतर आत्मा से आवाज आई कि प्रोफेसर भगत, तुम तो निहायत ही घटियापन पे उतर आए हो। जिंदगी में पहली बार चाचा को खुद की बुराई करते हुए देख रहे हैं। अरे उसे छोड़ो बिजली, दुश्मन की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है। हमको तो लगता है प्रोफेसर साहब को सदमा लगा है। अरे देखो बेटा लाल, बेटा लाल मतलब अर्थात माता के लाल। माता के लिए तो सब संतान एक समान होती है ना, पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़, सबको पूजा का अवसर समान मिलना चाहिए। और वैसे भी भगदड़ सिंह जी तो कितने अच्छे इंसान हैं। हैं ये? अरे अरे जे का हुआ बगला भगत को, जे उल्टी गंगा कहां से बह रही बे? हे डार्लिंग, कौनो तलवार उलवार तो सटा इसके कटाई पे? ना जी डार्लिंग, हमने तो कछु ना किया है। नहीं नहीं कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि आप आसन पर बैठे बप्पू। भग्गू भग्गू वो क्या है कि भगदड़ नाम कठोर बहुत है, तो भग्गू में प्रेम झलकता है, हमने थोड़ा सा प्रेम डाल दिया, आप भी इन्हें भग्गू बोला कीजिए, अच्छा लगता है। और भग्गू जी अगर आप उस आसन पे बैठेंगे तो ये विकास नगर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अच्छा? अरे पप्पा, अरे पप्पा इतना न गिर जाओ बाद में अफसोस हो भाई, समझो। ज्यादा बोलते रहते हो बीच में, शांत। आसन पर तो यजमान आपको ही विराजमान होना चाहिए, हम चलते हैं। अरे बब आप होइए विराजमान, हम चलते हैं। बाबू इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, ये अंतरात्मा की आवाज हमें क्यों नहीं सुनाई देती? ला ला ला।